नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस थर्ड पेपर के बारे में। इसमें हम सब लोग बात करेंगे आपके डीएलएड में आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करेंगे 2019 में आए हुए क्वेश्चन को लेकर के। तो ये पहला क्वेश्चन, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। ए ऑप्शन चुंबकीय बल, बी ऑप्शन घर्षण बल, सी ऑप्शन गुरुत्व बल, डी ऑप्शन पेशीय बल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, गुरुत्व बल है। क्या है? गुरुत्व बल है। गुरुत्व बल क्या होता है? देखिए गुरुत्व बल वह बल है जो किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। मतलब गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उस बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। यहाँ पर चुंबकीय बल क्या होता है? किसी एक चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक पर या चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। घर्षण बल, ये ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, घर्षण बल ये एग्जाम में आ सकता है। देखिए घर्षण बल क्या क्या करता है, अपने रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। यानी कि घर्षण बल जो होता है सापेक्ष गति का विरोध करता है। उस गति में जो विरोध करता है, जो बल लगता है, उसी बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। और आपका पेशीय बल क्या होता है? डी ऑप्शन, मांसपेशियों के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बात करते हैं। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। ए ऑप्शन बीनकर, बी ऑप्शन चुंबकीय पृथककरण द्वारा, सी ऑप्शन फटक कर, डी ऑप्शन चाल कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, चुंबकीय पृथककरण द्वारा। चुंबकीय पृथककरण द्वारा बालू में से अगर हमें लोहे को निकालना है तो चुंबक पास में लाएंगे और वहां से हम लोहे को अलग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन पर बात करते हैं। पत्ती द्वारा जनन होता है। ए ऑप्शन अजूबा में, बी ऑप्शन बबूल में, सी ऑप्शन केला में, डी ऑप्शन आम में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, अजूबा में। पत्ती द्वारा जनन होता है अजूबा में। आइए अजूबा के बारे में कुछ फैक्ट्स समझते हैं। अजूबा को पत्थर चट्टा या पत्थर चट्टा कहते हैं, या पत्थर चट्टा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। उभयचर जंतु, ए ऑप्शन मेंढक, बी ऑप्शन मछली, सी ऑप्शन चिड़िया, डी ऑप्शन कुत्ता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, मेंढक है। तो सबसे पहले नंबर समझते हैं उभयचर जंतु क्या होते हैं। देखिए उभयचर जंतु वह होते हैं जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं, ऐसे जंतु को हम क्या कहते हैं, उभयचर जंतु। मछली तो रह नहीं सकती है, ना चिड़िया रह सकती है, ना कुत्ता रह सकता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो मेंढक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फाइव पर बात करते हैं। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? कुंतल, किलोग्राम, ग्राम या न्यूटन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका किलोग्राम है। अच्छा अगर आपसे बोल दिया जाए ये जो किलोग्राम है किस पद्धति से रिलेटेड है, किस पद्धति में आता है, तो ये आपका एमकेएस पद्धति में आता है, एमकेएस सिस्टम में आता है। इसको हम एसआई पद्धति भी कह सकते हैं, एसआई पद्धति। और जो आपका ग्राम होता है, ग्राम, वो आपका सीजीएस में आता है, सीजीएस। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 2018 में आए हुए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर वन है, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है। ए ऑप्शन उर्ध्वपातन, बी ऑप्शन अपकेंद्रण, सी ऑप्शन तलछटीकरण, डी ऑप्शन निष्पंदन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, अपकेंद्रण।
चलिए समझते हैं अपकेंद्रण क्या होता है। मान लेते हैं कोई एक अक्ष है, उस अक्ष के परिता कोई एक कण गतिमान है, वो वृत्तीय मोशन कर रहा है। यदि इस कण पर बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ बल लगता है तो उसी को अपकेंद्रीय कहते हैं, और उसके द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और जो बल केंद्र की तरफ लगता है बल, उसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अपकेंद्रीय बल, आपको यहां पर एक झूला दिख रहा होगा जिसमें सब लोग केंद्र से बाहर की ओर चले जा रहे हैं, इनके ऊपर जो बल लग रहा है वो अपकेंद्रीय बल है। क्या है? अपकेंद्रीय बल है। और आप यहां पर देख सकते हैं सेकंड हमारा एग्जाम्पल, ये जो मथनी है, जब इसको तीव्र गति से मक्खन में घुमाया जाता है तो जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो मथनी के एक्सिस से दूर जाते हैं। तो वो जब दूर जाते हैं उस अक्ष से, तो उन पे जो बल लगा है वो आपका क्या है? अपकेंद्रण है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। सुसुप्त पौधा कहा जाता है, ए ऑप्शन जड़ को, बी ऑप्शन बीज को, सी ऑप्शन फूल को, डी ऑप्शन पत्ती को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? बीज है। क्या है? बीज है। बीज के बारे में और कुछ समझते हैं। बीज दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक आपका नग्न होता है, नग्न, और एक आपका होता है बंद। क्या होता है? बंद। नग्न को हम बोलते हैं संवृत, संवृत बीजी, और बंद को कहा जाता है विवृत बीजी, विवृत बीजी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 फुट बराबर है, ए ऑप्शन 26.48 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 28.48 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 29.48 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 30.48 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। क्या है? डी ऑप्शन है। चलिए और इसमें कुछ देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा गज के बारे में, एक गज में कितने फुट होते हैं? 1 गज में आपके 3 फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं। और हम जानते हैं एक फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम इस फुट की वैल्यू यहाँ पर रख दें, रखने के बाद अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 91.44 सेंटीमीटर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं। न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? ए ऑप्शन प्रथम नियम, बी ऑप्शन द्वितीय नियम, सी ऑप्शन तृतीय नियम, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका तृतीय नियम है। तृतीय नियम क्या है? कि अगर हम किसी भी वस्तु पर अगर एफ बल लगाते हैं, उतना ही अगर बल वो वस्तु हमारे ऊपर लगाए विपरीत दिशा में, तो इसी नियम को हम क्या कहते हैं? तृतीय नियम कहते हैं। कहते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया बल आपस में बराबर होते हैं, जब बराबर होते हैं तो उसी को तृतीय नियम कहते हैं। प्रथम नियम की बात कर लेते हैं। प्रथम नियम क्या है? ये जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम क्या है?
जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहता है, यदि वह मोशन अवस्था में यानी कि गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। द्वितीय नियम क्या है? ये हमारा संवेग परिवर्तन का दर होता है, संवेग परिवर्तन का दर होता है जो m इंटू ए के बराबर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, द्वितीय नियम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। बल की इकाई है, ए ऑप्शन अर्ग, बी ऑप्शन डाइन, सी ऑप्शन वाट, डी ऑप्शन कैलोरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, डाइन है। अच्छा, अगर आपसे बात किया जाए ये डाइन किस पद्धति में आता है तो ये आपका CGS में आता है, CGS में बल का जो इकाई होता है वो डाइन होता है। अगर MKS में पूछा जाए, MKS पद्धति में, तो वहां पर आपका न्यूटन होता है। चलिए अब हम बात करेंगे 2017 में आए हुए क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर का मान बराबर है, ए ऑप्शन 2.0 एकड़, बी ऑप्शन 2.5 एकड़, सी ऑप्शन 1.0 एकड़, डी ऑप्शन 1.5 एकड़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका बी है। क्या है? बी है। चलिए पहले समझते हैं हेक्टेयर क्या होता है। हेक्टेयर क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है। हेक्टेयर क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक। और खेतों का क्षेत्रफल बताने के लिए आजकल एकड़ के स्थान पर हेक्टेयर का उपयोग होता है। चलिए देखते हैं, एक एकड़ आपका बराबर होता है 0.405 हेक्टेयर के। तो यहां से आप निकाल सकते हैं एक हेक्टेयर बराबर कितने एकड़ के होगा। इससे अगर हम इसमें डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा 2.45 एकड़, और 2.45 एकड़ लगभग 16 बीघा के बराबर होता है, 16 बीघा के बराबर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। पुष्प के स्त्री केसर का वह भाग जो फल में परिवर्तित होता है, ए ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है बीजांड, सी ऑप्शन है वर्तिका, डी ऑप्शन है वर्तिकाग्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अंडाशय है। पुष्प के स्त्री केसर का वह भाग जो फल में परिवर्तित है वो आपका अंडाशय होता है। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में जरायुज है, ए ऑप्शन छिपकली, बी ऑप्शन चिड़िया, सी ऑप्शन मेढक, डी ऑप्शन चमगादड़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, चमगादड़ है। ये चीज ध्यान रखिए, चमगादड़ जो होता है वो आपका जरायुज है। क्या है? जरायुज है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से आघूलन सील ठोस पदार्थ का विलयन से पृथक करने की विधि का नाम है, ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में आघुलनशील ठोस पदार्थ का विलयन से पृथक करने की विधि का नाम है, ए ऑप्शन वाष्पन, बी ऑप्शन क्रिस्टलीकरण, सी ऑप्शन तलछटीकरण, डी ऑप्शन आसवन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या है, तलछटीकरण। क्या है? तलछटीकरण। देखिए आइए इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं क्या चीज होता है। अगर हम बालू ले लें, बालू पानी ले लें और एक गिलास ले लें, ध्यान से सुनिए, ये आपका गिलास हो गया। गिलास में क्या करते हैं, एक तिहाई पानी भर देते हैं और इसमें बालू डाल देते हैं। तो बालू डालने के बाद कुछ समय के पश्चात बालू इसकी पेदी में बैठ जाएंगे, इसके तल में बैठ जाएंगे,
जब बैठ जाते हैं उसी विधि को हम क्या कहते हैं, तलछटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तलछटीकरण कहते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल का नाम है। ए ऑप्शन पेशीय बल, बी ऑप्शन विद्युतीय बल, सी ऑप्शन चुंबकीय बल, डी ऑप्शन घर्षण बल। आप इस चीज को समझ सकते हैं। आपको हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं। आपको बताया था कि जब संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का क्या होता है, विरोध होता है, वहां पर जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, घर्षण बल। 2017 और 2018-2019 के प्रीवियस पेपर को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम 2016 और 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।